नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। अभी हाल ही में राजस्थान के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के द्वारा शपथ ग्रहण किया गया था, लेकिन दोस्तों आज हादसे का शिकार हुई है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कार। पूरा मामला क्या है इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, इसलिए लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखें। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें। साथियों, आपको बताते चले, राजस्थान के नए सीएम भजनलाल शर्मा की कार देर शाम हादसे का शिकार हो गई। उनकी कार अनियंत्रित होकर एक नाले में जा घुसी। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी को कोई भी चोटें नहीं आई है। मुख्यमंत्री को दूसरी गाड़ी में बैठाकर रवाना किया गया है। यहीं पर आपको बताते चलें, यह घटना उत्तर प्रदेश सीमा पर पूंछरी का लोठा के पास हुई है, जब मुख्यमंत्री गोवर्धन गिरिराज के दर्शन करने जा रहे थे। जैसे ही मुख्यमंत्री का काफिला पूंछरी में पहुंचा, तो भजनलाल शर्मा की कार का एक पहिया नाले में जा घुसा। बताया जा रहा है कि इस दौरान मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ थे। इसके बाद उन्होंने दूसरी कार में उन्हें शिफ्ट किया गया और इसके बाद उन्होंने पूंछरी का लोठा मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन किए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भजनलाल शर्मा पहली बार अपने गृह नगर भरतपुर जिला आए थे। अपनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मानपुर के पेपल की गांव में एक चाय की दुकान पर रुके, जहां पर यहां उन्होंने चाय बनाई भी और उसकी चुस्की ली। उन्होंने चाय की दुकान चलाने वाले जो कि मुंशीलाल गुर्जर थे, उनसे भी बातचीत की और उन्हें आर्थिक सहायता दी। भरतपुर जाते समय रास्ते में कई लोगों ने उनका खूब अच्छी तरीके से स्वागत किया। आप सभी को ये पता ही है कि हाल ही में राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, बीजेपी नेता भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर को सीएम पद की शपथ ली थी। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी। हादसे का शिकार होते होते जो मुख्यमंत्री की कार है वो बच गई, और दोस्तों गनीमत रही कि जो एक टायर है वो एक नाले में घुस गया था। हर अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।